सो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफसाइट यूट्यूब चैनल। मैं सिंह दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाइपर लूप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये हाइपर लूप है क्या चीज़? ये एक तरीके से ट्रेन का अपग्रेडेड वर्जन आप कह सकते हैं, जो कि इंडिया में भी इसकी टेस्टिंग चल रही है, और जिसकी वजह से ये काफ़ी हाई स्पीड ट्रेन आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से मुंबई और पुणे के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 25 मिनट में कवर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ, हम बात करेंगे इसके बारे में और कब तक इंडिया में ये सर्विस शुरू होने वाली है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले 2019 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2018 जो भी आपका जैसा भी रहा हो, अगर आपने कुछ सोचा हो 2018 में करने का, आप किसी वजह से नहीं कर पाए हो, तो 2019 में इसको डेफिनेटली स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप भी अपने लाइफ में कुछ कर सकें, कुछ आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे हाइपर लूप के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हाइपर लूप काम करता है एक तरीके से वैक्यूम के अंदर। यहाँ पे गोल साइज का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें आपकी वो जो ट्रेन है वो ट्रैवल करती है। यहाँ पे दोस्तों इस ट्यूब में क्या किया जाता है कि उसमें जो भी एयर होती है उसको सक कर लिया जाता है, यानी कि उसको बाहर निकाला जाता है। उसके अंदर का प्रेशर काफ़ी लो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एयर का फ्रिक्शन कम हो जाता है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ होती है कि इसके जो नीचे ट्रैक्स होते हैं उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पे जो आपकी ट्रेन है वो हवा में फ्लोट कर रही होती है, यानी कि किसी भी चीज़ से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, तो फ्लोट कर रही होती है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल ना के बराबर जीरो ही है। तो इसी वजह से होता क्या कि काफ़ी हाई स्पीड मिल जाती है ट्रेन को यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, यहाँ पर उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में। यहाँ पे दोस्तों कोई ट्रैक वगैरह नहीं है, और यहाँ पे दोस्तों हर पिलर के ऊपर एक गोल रिंग लगा होता है, जिसकी वजह से जो कि इस ट्रेन को पावर करता है, एक तरीके से पुश करता है मैग्नेटिकली। तो यहाँ पे दोस्तों उस ट्रेन की स्पीड्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ टेस्ट में देखा गया है कि इसकी स्पीड कम से कम 1100 से 1200 किलोमीटर तक भी जा सकती है। आपको सेफ ट्रैवल कराने के लिए इसका स्पीड है 300 से 400 किलोमीटर, जिसकी वजह से मुंबई और पुणे का जो डिस्टेंस है सिर्फ 25 मिनट का रह जाता है। और दोस्तों ये भी इंडिया में टेस्टिंग फेज में है। यहाँ पे दोस्तों इसमें एलोन मस्क का भी इन्वेस्टमेंट है कुछ, और यहाँ पे वर्जिन ग्रुप जो है उनका भी इन्वेस्टमेंट है, मेन उनका ये प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया में भी इसकी टेस्टिंग चल रही है इस तरीके की, उस नई टेक्नोलॉजी की। तो बात करें तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी कम है इसमें, क्योंकि एक बार का बस इनिशियल सेटअप जो भी लगता है, उसके बाद यहाँ पे इसको रनिंग कॉस्ट इसकी काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि इसमें बताया क्या जा रहा है कि इसके जो भी ट्यूब है जिसके अंदर वो ट्रेन ट्रैवल करेगी, उसके ऊपर सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे, जिसकी वजह से वो उससे ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर लेगी जितनी इसको चाहिए अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो यानी कि यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी और स्पीड काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम आसानी से लंबे डिस्टेंस कवर्स कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो यहाँ पे दोस्तों हमें हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन की ज़रूरत ही ना पड़े, और बुलेट ट्रेन जैसा कॉन्सेप्ट पुराना हो जाए और सीधा हम डायरेक्ट इंडिया में हाइपर लूप के थ्रू ट्रैवल कर सकें। तो दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट, इसके बारे में ज़्यादा बात इस समय नहीं हो रही क्योंकि अभी टेस्टिंग फेज़ में है। यहाँ पे ये काम चल रहा है अभी मुंबई से पुणे के बीच में, और हो सकता है 2025 तक ये इंडिया में भी प्रॉपर कमर्शियल यूज़ के लिए लॉन्च कर दिया जाए। तो बस दोस्तों हाइपर लूप के बारे में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और वीडियो चाहिए हमारे चैनल पे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बाकी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो जवाब आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख के बता दीजिए, उसको मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए अभी कभी। तब तक के लिए धन्यवाद, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।